आपने कहा क्लास टू में आपको था कि मैंने एक्ट्रेस बनना है। हाँ, मुझे हीरोइन बनना है। हीरोइन बनना था आपको? बस। अच्छा, और उसके बाद फिर ये साथ ही रहा आपके? हाँ, हमेशा से। हमेशा तो बस ऐसे ही कर लिया था मैंने। तो वैसे कभी सोचा है जिंदगी में कभी करिश्मा कपूर से अगर मुलाकात हो तो क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं है, लेकिन बस। उनको फॉलो करती हैं आप सोशल मीडिया पे? हाँ, शायद। शायद क्यों? उनको पहले करती थी, अब नहीं करती। क्यों? अब उन्होंने क्या किया? अब फील छोड़ दी ना उन्होंने? नहीं, मगर बस मैंने अपने ऐसे ही फॉलोवर्स कम कर दिए। फॉलोवर्स नहीं, फॉलोइंग। हाँ, सॉरी, उनको कम कर दिया आपने। मगर कोई खास वजह? करिश्मा का क्या कसूर था उसमें? नहीं, कोई कसूर नहीं। वो बेचारी आपको कब से इंस्पायर करके बैठी हुई है, आज आप बड़ी हो गई तो आप ये हक अदा कर रही हैं। ऐसा क्यों? रणबीर कपूर को फॉलो करती हैं? नहीं। पसंद है आपको या नहीं है रणबीर? सही है। पसंद कौन सा एक्टर है आपको? मुझे शाहिद कपूर बहुत पसंद है। शाहिद कपूर? कोई कपूर ही होना चाहिए, चाहे शाहिद हो या रणबीर हो। आप कपूर को छोड़े, इधर पिया को देखे। सर, आपको भी शौक रहा कभी कोई एंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर, लिटरेचर, पेंटिंग, आर्ट, कुछ रहा शौक कभी स्टूडेंट के जमाने में? अभी तो आप कह देंगे कि नहीं भाई। नहीं, नॉट एज सच। नॉट एज सच। कॉलेज के जमाने में भी नहीं, मतलब देखने की हद तक। तो देखने की? मैं कौन से कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे, शायद आप समझ रहे हैं कि मैं कोई ब्रश पकड़ के कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो मुझे पता है कि ऐसा कोई चांस नहीं है। मगर ताड़ी माशाल्लाह सेहत है, तू सिर्फ बाल्टी फट सकते हो यार। कॉलेज के जमाने में माहौल और होता है, उस वक्त यंग होता है इंसान। मगर मुझे उस वक्त कोई था, कोई फिल्में वगैरह देखते होते शुरू से? कह रहे हैं कि मेरी और स्क्रीन की कभी बनी नहीं इतनी। हाय हाय। मगर देखने की हद तक बहुत थोड़ी चीजें हैं जो मैंने तब भी देखी हैं। जैसा कि खैर मुझे तो अब ये भी नहीं याद कि कार्टून्स जो थे वो भी बड़े सिलेक्टिव थे जो हम देखते थे। ठीक है, ठीक है जी। तो उसके बाद मूवीज भी बहुत सिलेक्टिव सी हैं जो कि कभी। मगर अम्बल, कोई एक्टर्स वगैरह पसंद थे आपको? एक्टर्स? हाँ जी, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल टॉम हैंक्स, जूलिया रॉबर्ट्स। अगर पाकिस्तानी एक्टर्स में आ जाएँ तो खैर, मतलब सुल्तान रही साहब। रिसेंटली जब ये मौला जट की रीमेक हुई तो मैंने ये वाली नहीं देखी, पर मैंने ओरिजिनल जो थी वो देखी। तो वो आई थिंक हमें अपने जो पुराना सिनेमा है उसको, जो नई जनरेशन है उसको रिविजिट जरूर करना। सुल्तान रही साहब तो एक लेजेंड थे माशाल्लाह। बिल्कुल, और वो जो उस जमाने में होता था वो आपको अब साउथ की इंडियन फिल्मों में वो मिलता है उस किस्म का एक्शन, तो अब आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। रही साहब ने वो 70s-80s में कर दिया हुआ। उसके अलावा कोई सियासत के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर शौक रहा आपका? एनी हॉबीज, एनीथिंग? मतलब आई एम इनटू पेट्स। हाँ जी, और उसके अलावा पाकिस्तान घूमने का शौक जो है वो काफी है। पेट्स कौन से हैं आपके पास? कुछ बर्ड्स हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ इस तरह की। ओके, एक दूजे नु डराउंदे रहंदे। बर्ड्स और कुत्ते आपस में क्यों डराएंगे भाई? साइज का फर्क देखो उनसे। बेसिकली पेट लवर आप हैं। और उसके अलावा सुना है कि आपको गाड़ियों वगैरह का भी शौक है? हाँ जी, मतलब शुरू से, एक बचपन से जो एक चीज जो कांस्टेंट आ रही है ना वो है गाड़ियों का जो इंटरेस्ट। लाइक क्या? क्लासिक कार्स, फास्ट कार्स, कोई? खैर, देयर इज अ मिक्स, मतलब एवरी कार हैज इट्स ओन ऑरा और अपना एक होता है, मगर ये कि क्लासिक भी और स्पोर्ट्स कार्स भी। और अच्छा सर, आप बेस्ट कौन सी रखी है सबसे, जो आपको पसंद हो? रखी तो अभी शायद नहीं। आप किसी भी गाड़ी के शौकीन बंदे को पूछेंगे ना तो उसकी हर कैटेगरी में कोई ना कोई फेवरेट। बड़े लोग बड़िया गल्ला वासे भाई चिंची ते बैठ के कह रहे हैं मरी ले जा। बड़ी गल और आप कसम उठवा लें कि आज तक कभी ये मुझे लेके गया हो। यह तो बड़ी माड़ी गल है सर, मेरा सर रूट यादगार ते कर हुंदा है। मगर देखो वो कराची सही है, वो क्या सोच रही होंगी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो राह जी का फैन हूँ वैसे भी। अच्छा, ये इतनी प्यारी है माशाल्लाह, ये तो इनके जितने भी ड्रामास वगैरह होते हैं सब इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। तो ना पूछ लेना। सर, आपके तो नाम में ही हम्बल है, तो लोग अक्सर इस बात का फायदा उठाते हैं जब आपसे कोई डेली बेसिस पे डील कर रहे हो। मेरे नाम का मुझे फायदा यही है कि जो एक दफा मिल लेता है उसको भूलता नहीं है। नाम आपका हम्बल है या हम्बल है? ये इमाम अहमद बिन हम्बल के हम्बल है नाम से, हम्बल ही प्रोनाउंस होता है। ठीक है, बड़ा यूनिक नाम है आपका। हाँ जी, आपका नाम आपको पता है क्यों रखा गया? मैं बहुत रोती थी, बहुत शोर मचाती थी, तो मेरा नाम इसलिए रख दिया राहत के सुकून हो जाएगा। सुकून किसको, आपको या घर वालों? घर वालों को। घर वालों को होगा। उन्हें बाद में पता चला कि ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों रोती रही हैं आप? हाँ, मैं बहुत रोती थी बचपन में। तो ये आपने आदत कब छोड़ी है? थोड़ी सी बड़े होने के बाद। थोड़े से बड़े होने, अब तो ऐसा कोई नहीं है माहौल? नहीं नहीं, अब मैं सबको रुला देती हूँ। ये रुलाती कैसे हैं अब आप? तंग बहुत करती हूँ ना अम्मी को, बहन को। कैसे तंग करती हैं? जिद्दी बहुत हूँ, स्टबन हूँ थोड़ी सी। स्टबन है? मुझे भी स्टबल। स्टबल नहीं हो, स्टबल। मुझे डॉक्टर ने कहा तुम्हें स्टबल प्रॉब्लम है। स्टबल बनता है, दर्द होती है जब पानी पीता हूँ। स्टबल क्या होती है यार? स्टमक होता है। अच्छा सॉरी। क्यों?
अच्छा वो स्टमक होता है, स्टबल वो है जैसे वो देखे हम्बल भाई ने रखी हुई है दाढ़ी जो उसको कहते हैं हल्की हल्की स्टबल है और वो स्टबन थी, स्टबन यानी कि जिद्दी बहुत है वो, जिद्दी बहुत हो। हाँ तो क्यों, कौन सी जिद करती हैं आप? खाने पीने पे, मुझे खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो मेरे नखरे थोड़े से खाने पे। अच्छा आपको खाने पीने का शौक है बहुत। और क्या है आपका फेवरेट खाना? देसी, मुझे देसी बहुत पसंद है। देसी में क्या? कढ़ाई, कबाब, पुलाव, दाल, ये सब। और ये सब आप खाती भी हैं? हाँ। नहीं जी, उन्होंने फोटो खींच के लेमिनेशन करा लेंगे। वेलकम बैक जी रीच। सर राहत ने तो बता दिया कि उनको खाने पीने का बहुत शौक है, आपको है खाने पीने का शौक? सेहत से आपको क्या लगता है? लग रहा है। क्या पसंद है खाने में? फिर वही बात है, मेरी सेहत से क्या लगता है? ताड़ी सेहत तो लगता है, टंगिया मुर्गा भी खा जाते हैं। एक चीज जो ऑल टाइम फेवरेट हो, आप कभी भी खा लेंगे? बेसिकली ये मीट लवर। मीट लवर, मीट। ठीक है। आप दोनों में से किसी को कुकिंग का भी शौक है, सिर्फ खाने का ही? अच्छा, आपको कुकिंग का भी शौक है? बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। ये आपको किसने कहा? मैं बनाती हूँ। नहीं कोई कोई बताइए ना, शवाहिद दें। घर वाले, सारे दोस्त वगैरह सबको खिलाया मैंने। अच्छा, घर वालों ने और दोस्तों ने कहा? फैमिली, फूफो वगैरह सब। नहीं हम तो ऐसे नहीं मानते। देखे ना, वो ऐसे नहीं मानते। सबसे ज्यादा क्या अच्छा बना लेती हैं मुंह के अलावा? मैं मीठा भी अच्छा बनाती हूँ, मैं कढ़ाई वही देसी वगैरह बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा बना भी लेती हैं। जब नेक्स्ट आएंगी आप तो फिर कढ़ाई लेके आएंगे। बस डन हो गया। डन, लेकिन कढ़ाई च कुछ हो भी कड़े कुंडे वाली ले वो। अब जितनी प्यारी है ना, मैं नहीं चाहता आप किचन में जाए, हम मुलाजिम रख लेंगे। हम मुलाजिम रख यार, जैसे हम दोनों ने रखा है कुक वगैरह। हाँ, इन्होंने भी रखा होगा। हाँ तो उन्होंने रखा होगा, तुम कहाँ से आगे बीच में? नहीं नहीं, मैं तो वैसे अपनी बात की है, क्योंकि राहत जी तो फिर है ही प्यारी माशाल्लाह। अच्छा राहत जी, आपको देख के इतनी प्यारी हैं, आप सबको राहत होती है, तो कोई ऐसा दुनिया में शख्स है कि आप उसे देखें और आपको राहत मिली हो? नहीं अभी तक कोई नहीं, बस फिर किचन ची जाओ। लेकिन कोई ऐसा शख्स को आया होता ही ना जेन में, को अभी तक नहीं मिला, अगर मिले तो कैसा होना चाहिए? मैं आपको देख रही हूँ ना। वो आपको देख रही है ना, कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं वैसे कैसा होता है ना जिंदगी में, कोई आइडियल भी तो होता है ना, माँ बाप के अलावा, कि अम्मी अब्बू जैसा ना हो। इस बारे में कुछ सोचा नहीं। अगर सोचा तो कैसा हो? जैसे रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्ट करे आपकी? हाँ ठीक है। और जो जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार की मतलब तनु साइकिल ते छड़ के आवे साइकिल ते जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार एज इन क्या मतलब, आप कहना चाह रही कि कुछ रिस्पांसिबल होना चाहिए? अच्छा जिम्मेदार होना चाहिए। मैं कहे जमींदार को, शायद को 5 एकड़ उसके कोई साडे को ते मालिक मकान ने आज मनु टाइम देता किराया देने ते घर खाली कर। लेकिन चले अच्छी बात है, जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पेक्ट करता हूँ, दो आर तो आपने गिना दी, तीसरा आर बताए ना फिर, ताकि मैं जेन बनाऊँ। अच्छा। क्योंकि जिम्मेदार तो मैं हूँ। हाँ। मैं पूरे मल्ले का, मैं यकीन करो सौदा ले आके देना सारे। मुझे पता है। हैंडसम होना चाहिए बहुत ज्यादा। मेरे लोग तो क्या काम जना। क्यों? सर हैंडसम कहता ना। हाँ तो क्या हुआ, क्या पता उनका हैंडसम ऐसा ही हो। हैंडसम आपने कहा, हैंडसम तो आपने नहीं डिस्क्राइब किया ना, कैसा हैंडसम होगा? आपके जैसा चलेगा। मेरे जैसा? ए हैंडसम है इन्हां दे फैमिली वाले इन्हां नूं बब्बू बब्बू कहंदे ने। मैं तुहानूं क्या, अपने हैंडसम सही कराओ तुसीं। सही कराओ, अपने हैंडसम सही कराएं अपना। यार ए हैंडसम यार। ऑप्शन देना हैंडसम के, कहां देखूं मैं? कहां देखो, हमल साहब साथ बैठे हुए हैं आपके पीछे भी चार हैंडसम ने सिर्फ भारत उनको कंफ्यूज ना करो। लेकिन तनु हैंडसम वैसे ये सोचो किन्नी को मजबूरी हुई। चलो आज के जिम ज्वाइन करता हूँ, जब नेक्स्ट आएंगे ना तो मैं हैंडसम होऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है डन, आपने मेरा इंतजार करना 26-27 साल। लेकिन चले अच्छी बात है, कोई ऐसा प्यारा खूबसूरत कोई रिश्ता हम देखेंगे आपके लिए, कोई हैंडसम हो। चले डन हो गया सर। भाई जान हैंडसम की गल हो रही है, अंबल भाई सानू दोनों मेहनत की जरूरत है। मैंने ज्यादा तुम्हें